अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है बट की रेसिपी और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह से, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। देखिए कितना ये यम्मी सी दिख रही है ये। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करिए, स्किप मत करिए। छोटी सी रेसिपी है। जो व्यूवर्स न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए ताकि और भी यम्मी रेसिपीज़ के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, बट की रेसिपी। कुछ खड़े मसाले लेंगे, यहाँ पर दालचीनी है 2-3 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्ची के दाने हैं, 1 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 1 चक्री फूल है। तो कुकर चूल्हे पर चढ़ा ली मैं, इसमें ऑयल डालेंगे और ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गए बस से थोड़ा सा इसे क्रैकल करेंगे। 1 टीस्पून फुल मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। मैं हल्का सा सौते कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। और 2 डली प्याज है, इसे कट कर ली मैं। बड़े साइज के थे ये प्याज, तो इसे थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को। प्याज हल्का सा भुने बाद से इसमें एक मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून और इसे मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से। अभी इसमें ओजरी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से धो के रखी मैं बट को, हल्दी और आटे से धुली मैं। तो दाल के से अच्छे से भूनेंगे, 5 से 7 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। इसके बाद में 1.5 टीस्पून में रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे फिर से इसे, भून लेंगे फिर थोड़ा, 2 से 3 मिनट इसे ऐसे ही भूनेंगे। अभी मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ मैं, 1 ग्लास से डाल रही हूँ मैं पानी, 1.5 ग्लास। थोड़ा सा मिक्स कर लेके कुकर लगा लेंगे और इसे 8 से 10 विजिल लगाएंगे। 8 से 10 विजिल हो गए हैं, मैं इसे ओपन कर रही हूँ मैं, और मैं 5 विजिल हाई फ्लेम पे रखी और 5 विजिल लो फ्लेम पे रखी, तो इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए बट नहीं गला, तो फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गला लेंगे, 5-6 विजिल लगा लेंगे। 5-6 विजिल लगा ली मैं, ये देखिए अच्छे से गल गई है बूटी। तो इसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे और नमक डालेंगे। मैं नमक पहले नहीं डाली थी मैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। भुनेंगे इसे ऐसे ही, पानी सारा ड्राई करना है। मैं ज़्यादा प्याज नहीं डाली इसमें, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, और धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। तो इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल सारा पानी ड्राई कर ले रही हूँ मैं, ज़्यादा प्याज नहीं डाली मैं इसमें। 3 हरी मिर्ची ले रही हूँ मैं, हैंडफुल कोथमीर है, 1/2 नींबू है, तो इसे डाल देंगे, नींबू का रस। धनिया हरी मिर्ची डाल के इसे फिर से भूनेंगे, नींबू का रस ऐड कर दे रही हूँ मैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे, लो फ्लेम पे ही रख के भून रही हूँ मैं। फिर से थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ मैं,
इसे और एक 3 से 4 मिनट भुनके इसे निकाल देंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। देखिए कितनी ये यम्मी सा लग रही है, बट की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो डिश आउट कर देंगे इसे, एकदम परफेक्ट तैयार है। देखिए माशाल्लाह से बोटी की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार है, बिल्कुल इजी रेसिपी है। मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।